सारे मिलके मेरे नाल पढ़ी है तू राजदार खफी चली है जिधर भी देखो इधर भी देखो इधर भी देखो अली अली है जिधर भी देखो अली अली है कबा मदीने की हर गली है जिधर भी देखो जिधर भी देखो जिधर भी देखो अली अली है अली ने मरहब के सर को फोड़ा अली ने खैबर के दर को तोड़ा अली ने आए कुफर कुछ न छोड़ा अली अली है अली अली है तू राजदार कफी जली है किधर भी देखो अली अली सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए रसूल पाक का तेरी तरफ सलाम आया तेरी जुबान पे जिस दम अली का नाम आया तेरी जुबान पे जिस दम अली का नाम आया और अली का नाम ही वो इसमें आजम है अली का नाम ही वो इसमें आजम है कि जिस किसी ने पुकारा उसी के काम आया कि जिस किसी ने पुकारा उसी के काम आया पाक का तेरी तरफ सलाम आया तेरी जबान पे जिस दम अली का नाम आया नौजवानों मौला लिए जदों माओं दे शिकव दे अंदर आए मौला ली दी अम्मी जान हजरत फातिमा बिनते असद जेड़े वेले कमरी वाले ने चाची नु मिलन वास्ते आना मौला ली दी अम्मी ने उठ के खड़े हो जाना एक दिन नबी कारी करीम ने फरमा चाची जान तुसी मेरी मां लगदे हो पुत्र हो ते मावा नहीं उठ के खड़िया हो दिया मावा हो ते पुत्र उठ के खलोंदे ने अम्मा जी मैं आवा तुसी उठ के खड़िया ना होया करो मौला ली दी अम्मी फरमा लगी कमली वालिया मैं तेहरे ना उठ के खड़ी हो आ जेड़ा बच्चा मेरे सिकम दे अंदर है जदों तुसी आंदे हो ये बच्चा पेट च अकड़ जांदा है ये मैनू बैठन नहीं देंदा कहंदा अम्मा उठ के खड़ी हो जा वेख नबियां दा इमाम अचानक मेरे नबी ने जरा चौथे चक्कर की वारी आई सैयद आलम ने वेख्या चाची का चेहरा सुरख है तेरे आका ने वेख के परमा चाची जी खैर है घर भी नहीं जाया जाना अचानक काबे दी दीवार फट गई नदी आवाज आई अपने घर नहीं जा सकती आजा मेरे घर आ अली दी अम्मी काबे विच टुट गईयां ते अली दी विलादत हो गई काबे दे अंदर अगली गल सुनिए नौजवानों ए अली दी विलादत दा वेला है जदों हजरत ईसा अलैहि सलाम दी विलादत दा वेला आया ना ते ईसा दी मां मरियम बैतुल मकदस किबला अव्वल दे हुजरे च इत्तेफाक बैठियां अचानक जिब्रील हुजरे च आए ते मरियम अलैहि सलाम वेख के फरमादियां कौन है ते किथे आए हैं ते किधर आए हैं ताले लगया विच आ गए कहन लगा ली अहवाला की गुलामन ज़कीया मैं तेनू
पाक पुत्र देना आया, पाक पुत्र देना आया। नौजवान जिब्रील ने फूक लगाई ते ईसा मां दे शिक में जा गए। अगले लम्हे विलादत दा वेला आ गया ते तीसरे लम्हे विलादत हो भी गई। हुन अल्लाह ने कुरान च रंग पेश फरमाया, पढ़िए कुरान च सुभान अल्लाह फरमाओ सारे। बे मुर्शद चुप रहे जिदा मुर्शद अली ओ बोले सुभान अल्लाह। मैं मुजद्दिया मेरे मुजद्दद पाक फरमाते ने, आप फरमाते ने के मौला अली अल मुर्तजा अपने जिस्म दे विच आवन तो पहले, यानी अजे जिस्म बने नहीं जदों लोग आए नहीं, वली बने सन सारे अली दे सदके बने सन। उते वली बनता ही नहीं पवे इस उम्मत होवे पवे पिछली उम्मत दा, जेड़ा अली दे बूहे ते ना जावे तो जिदा पीर अली है ओ बोले सुभान अल्लाह। जेड़ा हाथ नहीं चुकदा नाल दा बेली चुके बोले सुभान अल्लाह। अज रल के जिक्र अली भाई साडा पीर है ना, अली भाई पीरां दा पीर है, अली सारे पीरां दा पीर ही अली है। असि क्यों ना उस पीर दा जिक्र करिए। तो गिरामी कदर हजरात सुनिए कुरान, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वा हुजी इलैकी बिजिन अखला तुसा किता नहीं कि रुतबा जनिया। अल्लाह ने निशा फरमाया मरियम दरा किबले जबारे आओ ओ खजूर दी छावे आके पुत्र नु जन्म दे लाए। हजरत मरियम खजूर दी छावे आ गईया, ईसा अलै सलाम खजूर दी छावे पैदा हो गए। नौजवान किड्डी मोहब्बत दी बात है, जद ईसा दी वलादत दा वेला आया मां किबले च बैठी है, आवाज आई बाहर आ जा बाहर आ जा बाहर आ जाओ। अली दी वलादत दा वेला आया मां बाहर बैठी है, आवाज आई अंदर आ जा। तर्जमा कर लेने काबे च विलादत हैदर दी, मस्जिद च शहादत हैदर दी, काबे च विलादत हैदर दी, मस्जिद च शहादत हैदर दी। इरशाद है कमली वाले दा, है दीन इबादत हैदर दी। कौन बोला सारे है शरीयत मुस्तफा बकायदा कुलिया कानून मसला है। औरत बच्चे नु जन्म देवे औलत हालत निफास दे अंदर 40 दिन तक औरत नमाज ना पढ़े, औरत कुरान दी तिलावत ना करे, औरत कुरान नु हाथ ना लगावे, औरत काबे दा तवाफ ना करे, औरत काबे दी दीवार नु हाथ ना लगावे। क्योंकि दुनियादार औरत ने दुनियादार बच्चे नु जन्म दिता है, औरत पाक नहीं ओ काबे नु हाथ भी ना लगावे। नौजवान सियाल कुड़ जुमा पढ़ना होना वाले हो, वो कितना पाक होवेगा जेड़ा पैदा ही काबे दे विच पिया होगा, कितना पाक जेड़ा पैदा ही काबे दे विच हो रहा है। औरत बच्चे नु जन्म देवे ते काबे नु हाथ नहीं लगा सकदी, वो पैदा ही काबे दे विच पिया होंदा है। एड़ा पाक है अली, तुसी बोले ही नहीं सुभान अल्लाह। वायु तहरकुम तहीरा, जिदी पाकी दा रब कुरान च जिक्र करे। अल्लाह फरमाए सोनिया मेरा इरादा मैं तेरी अहले बैत नु इंज पाक करां जिवें पाक करन दा हक हुंदा। गिरामी कदर हजरात ए ओ अली, अगली गल करिए।
वक्त की किल्लत अली ते होवे जिहदा जिक्र यकीन करो करदे रहिए करदे रहिए जो जो करिए ना त्यों त्यों खले जट ठंडा हुंदा जांदा है। मौला अली अल मुर्तजा दी अम्मी जान जब घर लेके आई हां ते हुजूर नु खबर मिली ना अल्लाह वीर देता है नबी पाक वेखन आए ना ते फरमाया लियाओ चाची जी मेरा वीर मेरी गोदी च अली दी अम्मी ने अली नु नबी दी गोदी च रखया ते रो पईया। हुजूर ने फरमाया क्यों रोए आखे तीन दिन हो गए दुनिया ते आया है अख नहीं खोलदा और इहदी अख ही कोई नहीं। फरमाया लियो मैं चेक करा अली नबी दी गोदी च आए ते अली ने अख खोल के रुखे मुस्तफा वल वेख्या ना ते हुजूर फरमाते ने चाची जी तुसी कहंदे हो दी अख कोई नहीं इहदे वर्गी ते अख ही कोई नहीं सुभान अल्लाह एड्डी सोहणी अख जिहड़ी रुखे मुस्तफा नु वेख्या बाज खुले ही ना नहीं समझे ते आसान कर देवां असी लखां रुपया लगा के काबा वेखण जांदे आ है ना ओ पैदा काबे दे विच होया तीन दिन काबे दे विच रहया काबे नु वेखिया ही नहीं असी लखा रुपया लगा के काबा वेखण जाने अफजल कादरी साहब ओ काबे दे विच पैदा होके काबे नु नहीं वेखदा कहंदा तैनू बाद च वेखांगा पहले तेरा काबा ते वेख लो हां हाय हाय पहले तेरा काबा ते वेख लो अली तेरे ज़ौके इबादत तो सदके जावां उन्हें रुखे मुस्तफा वेखण तो पहले अख नहीं खोली। हजूर ने फरमाया फिर तेनु इनाम देवा अखे जी सोनिया फरमाया अन नज़रु इल्ला वजह अली जिन इबादा फरमाया जे मैनु वेख्या बाज तू नहीं ना अख खोली जा अज तो बाद जिहड़ी अख तेरा मुख वेखे समझ मैं खुदा दी इबादत पे कर रहा मेरे नबी ने अली दा मुख इबादत बना देता फरमाया अन नज़रु इल्ला वजह अली जिन इबादा फरमाया अली दा चेहरा देखना इबादत है अली दा जिक्र करना इबादत है। गिरामी कदर हजरात ओ अली अल मुर्तजा जिन्ने ज़बाने मुस्तफा दे चूसे लए ते गुड़ती लई ते शेरे खुदा फरमाते ने सिर्फ एक बारी गुड़ती नहीं लई आ फरमाते सन कि मैं बचपन च हुजूर ना सौंदा सा ते आ फरमाते ने शाम नु हुजूर दे नाल लेटदा सा ते नबी पाक अपनी ज़बाने उस दिन भी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर दे होंठां विचों मुश्क ते अंबर दी खुशबू आंदी सी ओ जिहड़ा होंठ चूसे उहदा आ हाल है ते जिहड़ा सारी जिंदगी मुहम्मद दी जुबान चूसे बोले नहीं सुभान अल्लाह। मैं अक्सर ये रवायत सुनाना एक बच्चे ने हजूर ने खजूर दी गिटक खा के ना खजूर खा के गिटक सटी गुठली एक बच्चा बैठा उन्हें गुठली उठा के चूस ली। हजूर ने अर्ज़ की थी اللهم فقهه في الدين یا اللہ اس بچے نو دین دی سمجھ عطا فرما او بچہ بڑا ہو کے قران مجید دا پہلا مفسر بنیا جنو ترجمان القران تے ابر الامہ اس امت دا سب تو بڑا عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فر کہندے نے او یار جڑا نبی دی سے او تے امت دا سب تو بڑا عالم بنے تے جڑا چوسے محمد دی زبان मैं करके पढ़िया करना वा आलम दी शाही आलम दी शाही है दर्दी कौनैन ते कब्ज़ा आलम ते शाही है दर्दी कौनैन ते कब्ज़ा केड़ा बंदा हैदरी बैठा जो मैं कहां ना कौनैन ते कब्ज़ा वो हाथ चुके नारा मार के आखे हैदर दा भाई कौनैन ते कब्ज़ा सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए आलम ते शाही हैदर दी कौनैन ते कब्ज़ा
हैदर कौन दे सारे बलिया चो उचाए रुतबा हैदर जेड़ा इश्क दे पैड़े हैदर कहता है बुजुर्ग बंदे बैठन उठन आए करके उठते ने मेरे बाबा जी जो बैठते उठते सन पता की कहते सन उस बाबे दा मुरीद है जेड़ा हर साल हैदर हैदर करदा मैं दा तर्जमा जे करया करना जेड़ा इश्क दे पैंडे पैंदा है ओ हैदर हैदर कहदा है ओ मंजिल ते जा पहुंचदा है जिन मिल गया रास्ता आलम दी शाही हैदर दी कौनैन ते कब्जा भाई सारे बोलो कौनैन ते कब्जा हैदर दा दो अंगूठियां पाना चुके जायज नहीं भाई इस वास्ते मैं कि तोडे वाले पावन फरमाया कि फसअलु अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून ते मौला अली फरमाते हैं नहनु अहले ज़िक्र असी ही अहले बैत रसूल ही अहले ज़िक्र हुन यहूदी आके मौला अली को कहने लगा कि अली मैं तेनु 10 सवाल पूछने ने तेनु जवाब एक दा भी नहीं आना मौला अली ने फरमाया क्यों कहने लगा बड़े मुश्किल सवाल ने
इमामे हसन वेड़े च पे खेलदे सन बचपन से इमामे हसन दा मौला अली फरमान लगे हसन बेटा बात सुनो इमामे हसन आके ते बाबा जान दी गोदी च बैठ गए ते मौला अली उस यहूदी नु फरमान लगे ओ जेड़े तेरे मुश्किल सवाल ने ना ओ मेरे हसन कोलो पूछ ले उन्हें आख्या अली सवाल बड़े मुश्किल ने तेनू जवाब नहीं आना है ते बच्चा है पर मैं बच्चा पर अली दा बच्चा ते तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलियो इमामे हसन ने फरमाया पत्थर उन्हें नाल ही अगला सवाल किया कहन लगा ते पत्थर नालों सख्त ते ताकतवर की आपने फरमाया लोहा वो पत्थर नूं कट दे दे उन्हें आख्या लोहे नालों सख्त ताकतवर की है आपने फरमाया आग और लोहे नूं पिघला दे दे उन्हें आख्या जी फिर अग नालों ताकतवर की है आपने फरमाया पानी जिहड़ा अग नूं बुझा दे दे कहन लगा पानी नालों ताकतवर की है आपने फरमाया बादल जिहड़े पानी नूं उठा के फिरदे रहिंदे कहन लगा बदला नालों ज्यादा ताकतवर की है फरमाया हवा जिहड़ी बदला नूं उड़ाई फिरदी है कहन लगा हवा नालों ताकतवर की है फरमाया हवा दा फरिश्ता जिहड़ा हुक्म दिंदा ते हवा टुर पैंदी है कहन लगा हवा दे फरिश्ते नालों ताकतवर की है फरमाया मौत दा फरिश्ता जिहने उहनूं भी मार देना है कहन लगा मौत दे फरिश्ते नालों ताकतवर की है फरमाया मौत जिहने उहनूं भी मार देना है कहन लगा ते मौत नालों सख्त की है आपने फरमाया मेरे रब दा हुक्म जिहदे हुक्म नाल मौत आउंदी है उहदे 10 सवाल पूरे हो गए उठ के टुर पिया ते उत्थे जाके मुड़ के कहंदा इन्हां दे ते बच्चियां दा इन्हां दे ते बच्चियां दा हाल है हुण मौला अली कोलों लोग सवाल करदे सन क्योंकि अहले जिक्र सन ना लोग सवाल करते सन ते बड़े बड़े उल्टे कदे कदे सवाल करते ने एक बंदा आया यहूदी कहन लगा अली सुनया तेरे कोल तू नबी दे इलम दे शहर दे दरवाजा है आपने फरमाया जी मैं बाबे उदूमे मुस्तफा वा नबी दे इलम दा शहर दा दरवाजा मेरे नबी ने फरमाया के अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा अना मदीनतुल हिकमत व अली बाबुहा फरमाया मैं इलम ते हिकमत दा शहर ते अली दा दरवाजा है हुन अली नाल वध के हिकमत ते इलम किदे कोल गिरामी कदर हजरात ओ जेड़ा फरमांदा मैं सूरह फातिहा दी तफसीर करां ते 70 ऊंटा कोल किताबें ना चुकियां जावण सवाल करने वाले इंज इंज दे सवाल कर लेंगे एक दिन मौला अली और मुर्तजा बैठे थे एक बंदा कहने लगा कि अली फरमा जी कहने लगा तू कहना कुरान तो सारा कुछ ही मौजूद है फरमा सारा कुछ ही मौजूद है सारा कुछ कुल्लुन फी किताबिन मुबीन वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन अल्लाह फरमांदा कोई खुश्क ते तर चीज ऐसी नहीं जिदा जिक्र कुरान च ना हो वो कहने लगा सारा कुछ कुरान च फरमा सारा कुछ कुरान च मदीने दा भी जिक्र कुरान चे फलाने मुल्क दा भी जिक्र कुरान चे शाम दा भी जिक्र कुरान चे फलानी शहर उन्हें एक एक दीगर ना चीज गिनिया शुरू कर दी एदा जिक्र एसी लगे ना हुण कोई आखे एसी दा जिक्र कुरान च है उल्टे सवाल करने लग पाया मौला अली नूं आ चीज़ दा जिक्र कुरान च उठाओ ओहदा जिक्र मौला अली चुप करके दे सवाल सुनते रहे जदों दा सवाल मुकम्मल हो गया तो मौला अली ने वेख्या उह सामने इक दरख्त सी उह दरख्त दे कोल खलो के ने ते आप फरमांदे ने उह दरख्त दे नीचे जिहड़े दे बीज गिरे ने ना डिगे ने फरमाया इह बीज पकड़ के लिया उह पकड़ के लिया ते आपने फरमाया कि भाई तेरा सवाल की कहन लगा ऐ सारियां चीज़ां दा जिक्र मैनूं कुरान दे पिछू वखा मौला अली फरमांदे ने ऐ बीज कहन लगा जी फरमाया इसे दरख्त दा बीज कहन लगा जी आपने फरमाया इस बीज में जदों जमीन दे नीचे बो दईए ते इहदे विचों दरख्त निकलदा कंदर निकलदा फरमाया इहदे चों फिर शाखां भी निकलदी कंदर निकलदे फरमाया पत्ते भी निकलदे ने निकलदे फरमाया फल भी निकलदा कंदर निकलदा फरमाया इह शाखां दरख्त पत्ते
तना ये फल इस बीज दे विच ना कहिंदा जी विच फरमाया वखा उच्चा बोलो सुभान अल्लाह मौलारी ने फरमाया अल्लाह फरमांदा बल बलदु तैयब यखरुज नबातु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी खबुज यखरुज ला यखरुज इल्ला नकिदा मौलारी ने फरमाया कुरान कहता है जमीन चंगी होवे फसल चंगी होती है जमीन भैड़ी होवे फसल भैड़ी होती है फरमाया तेरी जमीन भैड़ी है मेरी जमीन चंगी देख रहा पर अपना अपना सारे पता मैं आयत है जो पढ़ी इन लदीना आमनु व अमिलु सालिहात सयजअलुल्लाहु अर्रहमानु बुद्दा अल्लाह फरमांदा ए ओ वली है जिदी मोहब्बत मैं हर मोमेंट दे सीने च डाल देती है हुन मैनू नहीं पता किन्ने पढ़ना है किन्ने नहीं पढ़ना मैं मजबूर ते कर सकदा नहीं बस इना कहांगा जेड़ा जो पढ़े हाथ चुक के पढ़े मैनू हाथ तो पता लग जाना है कि ए बंदा पे पढ़दा बेशक ओ बाहर धूप विच बैठे हो या कमरे च बैठे हो ऊपर बैठे हो या दीगर मंजिलां ते जिथे जिथे भी बैठे हो मैनू नहीं पता मगर मैं चाहना वा कि कोई बंदा जो खाली ना जावे अली दे दर खैरात लेके जावे हाथ चौके नदा दियो अली दे ना दी तो सारे मिलके मेरे नाल पढ़िया है तो राजदारे खफी जली है जिधर भी देखो जिधर भी देखो जिधर भी देखो अली अली है जिधर भी देखो अली अली है गवा मदीने की हर गली है जिधर भी देखो जिधर भी देखो जिधर भी देखो अली अली है अली ने मरहब के सर को फोड़ा अली ने खैबर के दर को तोड़ा अली ने आए कुफर कुछ न छोड़ा अली अली है अली ही अली है तो राजदार खफी जली है किधर भी देखो अली अली भाई जिधर भी देखो अली अली है हजरत खुज़ैफ़ा बिन यमान एक दिन सुबह सुबह उठ के ना अपने अजीब ही ऐलान कर देता अजीब ही नबी पाक के साहबी अजीब ही ऐलान कर देता फरमाते ने मैं फितने नल प्यार करना कादे नल सारे बोले हालांकि कुरान चरा फरमाता वल फितना तो अशद्द मिन अल कत्ल अल्लाह फरमाता फितना कत्ल नाल भी ज्यादा सख्त شدید है हजरत खुज़ैफ़ा बिन यमान रजी अल्लाह तआला ने सुबह सुबह ऐलान कर दिया कहने लगे मैं फितने नाल प्यार करना अगली गल गौर कर दी फरमाते ने यहूदी भी सच्चे ने ते ईसाई भी सच्चे ने तीसरी गल उन्हें यह कर दी उन्हें आख्या कि मैं जिहड़ी चीज पैदा ही नहीं ना हुई है जिहड़ी चीज अजे पैदा ही नहीं हुई मैं उहदे ते भी ईमान रखना अगली गल कहन लगे के फरमाते ने के यहूदी भी सच्चे ने ईसाई भी सच्चे ने जिहड़ी चीज पैदा नहीं हुई मैं उहदे ते ईमान रखना ते इरशाद फरमाते ने के मैं मौत नु पसंद नहीं करता बिल्कुल टूटी टूटी गल जब हजरत उमर फारूक तक आई ना तो आप नु बड़ा जलाल आ गया कि खुदाफा ने अज किवें दी गल्लां कीतियां क्यों कीतियां आप दा इरादा बनया कि मैं खुदाफा ते जरा सख्ती करां
مولانوی المرتضیٰ قدرتی آگئے تھے آپ نے حضرت عمر فاروق فرما لگے دیکھو خود حسن ایجی نے یہ غلط کی دیا نہیں تو مولانوی فرما لگے ٹھیک ہی کی دیا نہیں کی فرمایا ٹھیک ہی کی دیا نہیں حضرت عمر فاروق اور حیران ہو گئے تو فرمایا ٹھیک ہی میں مولانوی نے فرمایا نے پہلی گل کی تھی اخی انہوں نے اخی کہ میں فتنے نال پیار کرنا مولانی فرمان لگے اللہ قرآن جو فرماتا انما اموالکم و اولادکم فتنہ اللہ فرماتا مال بھی فتنہ ہے تے اولاد بھی فتنہ ہے تے او مال نال بھی پیار کردا ہے تے بچے نال بھی پیار کردا ہے حضرت عمر فاروق فرما لگے چلو یہ گل تے برداشت ہو جاندی پر اگلی جڑی گل انہاں کیتی انہاں کہ یہودی بھی سچے نے تے عیسائی بھی سچے نے مولانی فرمان دے تے ٹھیک ہی اچھا اچھا جیو کیویں فرمایا اللہ قرآن وچ فرماندا ہے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء اللہ قرآن وچ فرماندا ہے یہودی کہندے نے عیسائی جھوٹے نے تے عیسائی کہندے نے یہودی جھوٹے نے فرمایا دوویں سچے نے او بولو فرمایا دوویں ٹھیک کہندے نے دوویں جھوٹے نے اچھا تے او کہندے نے جڑی چیز ہے کہ فائدہ ہی نہیں ہوئی میں او دے تے مار رکھنا اپنے فرمایا ٹھیک کہندا قیامت اجے آئی نہیں او ایمان رکھ دے قیامت تے تے جڑا قیامت ایمان ہی نہ لے کے اوے تے مومن ہوندا ہی نہیں فرمایا جڑی اجے قیامت آئی نہیں او دے تے وی ایمان رکھدا ہے حضرت عمر فاروق فرمان لگے اچھا تے او کہندے نے کہ میں موت نہ پیار کرنا اے کتے آ گیا آپ نے فرمایا قران وچ اللہ فرماندا وجا سکرۃ الموت اے بھی ٹھیک ہو گیا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سارے جواب دیتے نا تے حضرت عمر فاروق نے پتہ کی دعا کی تھی ہاتھ چوک کے کہنے لگے یا اللہ او مصیبت تے مشکل میرے تے نہ آوے جدہ مشکل کشا علی نہ ہو نہیں سمجھے آ جڑا سنی علی نو مشکل کشا کہندے نا اے سنی نہیں کہندے مدینے دے سارے لوگ کہندے سن کیوں جدوں بھی کوئی مشکل آوندی سی لوگ علی کول ہی آوندے سن اس مشکل نو دور ہی علی کردے سن تے لوگ کہندے سن علی مشکل کشا ہے تے حضرت عمر فاروق نے عرض کیتی یا اللہ مینوں اس مشکل تو بچا کے رکھی جنوں حل کرن واسطے علی نہ ہوئے علی ہوے جڑا ہر مشکل دا کشا ہے ہر مشکل نو حل کر دیندا ہے ہر مشکل نو حل کر دیندا ہے آدم چیتی نے تائیوں یا کھیا آدم نے اکھیا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا سارے نہ میری گل نہیں جی جی اکھاں دا تارا لیو پڑے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی لوگوں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی اور لوگوں یہ مغفرت کی سند ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا 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 علی علی کملی والے نے فرمایا قیامت نو پل سے رات نو دوزخ تے رکھیا جاوے گا میرے آقا نے فرمایا علی تو دوزخ دے کنارے تے بیٹھ جائے گا نلے تیریا بڑیاں شانیں ہون گیاں تو دوزخ نو کہندا اوے گا نی دوزخ اے آ تیرا ہی آ میرا ہی آ تیرا ہی آ میرا ہی آ تیرا ہی آ میرا ہی فرمایا جیڑا تیرا ہوے گا دوزخی نہیں ہوے گا جیڑا دوزخی ہوے گا او تیرا نہیں ہوے گا اس بات اسی سنی کنے ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی اج کہو ہم ہیں علی کے اور ہمارا 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 علی
करके बोलिए हैदर अताए अहमद मुनसल अताए मौला अली अताए अहमद मुनसल अताए मौला अली अताए अहमद मुनसल अताए मौला अली और फिजाए अहमद मुरसल फिजाए मौला अली अली का काम ही किरतों को थाम लेना है गिराए जिसको मुकद्दर उठाए मौला अली गिराए जिसको मुकद्दर उठाए मौला अली अली का काम ही किरतों को थाम लेना है गिराए जिसको मुकद्दर उठाए मौला अली गिराए जिसको मुकद्दर उठाए मौला ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਰਖ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਦੋ ਬੁੱਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੁੱਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖਜੂਰਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਅਤਾਏ ਅਹਿਮਦ ਮੁਰਸਲ ਅਤਾਏ ਮੌਲਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲੀ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਮਝੋ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਨੇ ਹੀ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਲੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਬੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਬੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਲੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਅਤਾਏ ਅਹਿਮਦ ਮੁਰਸਲ ਅਤਾਏ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੋ ਇਹ ਉਹ ਅਲੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਸੂਲ ਅਰਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ